आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए स्टार्ट करते, देख लेते मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट द फॉलोइंग 10a/2 अपॉन a-b a-c + 10b/2 अपॉन b-c ब्रैकेट में b-a + 10c/2 अपॉन c-a ब्रैकेट में c-b इक्वल टू 1 अपॉन ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो हम क्या लेकर चलते हैं यहाँ पर, एक ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो हम क्या लेकर चले, एक ट्रायंगल लेकर चले। इस ट्रायंगल को मैंने कह दिया यहाँ पर, तो ये क्या है, मेरा एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को लेकर चला मैं यहाँ पर। तो ये ट्रायंगल क्या है, इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पर ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे दिया मैंने सी। मैंने इस साइड को कह दिया सी, इसको मैंने यहाँ पर कह दिया ए, और इसको मैंने यहाँ पर कितना कह दिया बी। तो मैं यहाँ क्या लेकर चलता हूँ, मैं यहाँ कंडीशन लेकर चलता हूँ कि ए इक्वल टू कितना लेकर चला, 2 लेकर चला, और बी इक्वल टू कितना लेकर चला, 1 लेकर चला। तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि जो सी आएगी वो कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 इंटू सी इंटू ऑफ बी इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू √3 इंटू 1 इक्वल टू कितना, √3 अपॉन कितना, 2। तो हमारी ये वाली कंडीशन आ गई, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मुझे मिला है वो कितना मिला है, वो मुझे मिला है √3 अपॉन कितना, 2। तो मुझे ये मिल गया यहाँ पर। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं एंगल ए कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ए कितना है मेरा, 90 डिग्री है। एंगल ए मेरा कितना है, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ कर अगर निकालना चाहूँ टेन बी, तो टेन बी कितना होगा, बी अपॉन कितना हो जाएगा सी, और ये कितना है, 1/2 ऑफ कितना, √3। तो अगर मैं यहाँ से बी निकालना चाहता हूँ, तो बी कितना मिल जाएगा मुझे, 30 डिग्री। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मुझे बी मिला है वो बी मुझे कितना मिला है, बी मुझे यहाँ पर मिला है, बी मुझे यहाँ पर कितना डिग्री मिला है, 30 डिग्री मिला है, और ए मेरा कितना, 90। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला जो एंगल आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो मुझे जो सी एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ सिमिलरली जो मुझे सी एंगल मिलेगा वो कितने डिग्री का मिलेगा, 60 डिग्री का मिलेगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, मेरी जितनी भी वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 a/2 का मतलब कितना, 90। तो 90/2 कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री अपॉन, यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ गया, 2 - 1, यहाँ कितना आ गया, 2 - √3। फिर ऐसे अगली कंडीशन रख लेता, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10/15 अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 - कितना, √3, और यहाँ कितना आ गया, 1 - कितना, 2 प्लस 10c/2 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू 60 है, तो ये कितना आ जाएगा, 10/30 अपॉन, यहाँ कितना आ गया, √3 - 2, और यहाँ कितना आ गया, √3 ऑफ कितना, - 1। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो 10/45 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ कितना आ गया, 2 - 1 तो 1 ही होगा, तो कितना आएगा, 2 - √3 के इक्वल। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ कितना, 2 - √3, और यहाँ जो वैल्यू बचेगी कितनी, √3 - कितना, 1। 1 - √3 आता है, वो माइनस की वजह से क्या हो गया, √3 - 1 हो गया। प्लस यहाँ कितना आ गया, इसको 1/2 कितना लिख दो, 1/2 कितना, √3, यहाँ कितना आ गया, इसको लिख दिया 1/√3। यहाँ जो वैल्यू आई वो कितनी आई, √3 - 1 ऑफ कितना, √3 - 2। हमारी ये वाली कंडीशन आ गई। अब मैं इस कंडीशन को क्या कह सकता हूँ, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ आगे। तो जब मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूँगा, तो यहाँ पर सोल्व करने पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 ऑफ कितना, 2 - √3। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई, 2 - √3 अपॉन, यहाँ कितनी आ गई, √3 - 1। प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं लिख दूंगा √3, यहाँ कितना आ गया, √3 - इसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, अंदर मैं क्या किया, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 - √3 - 2√3 + 2। तो मुझे ये वाली कंडीशन मिलेगी इसके अंदर। अब मैं आगे क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, जब मैं इसका रेशनलाइज करूँगा, तो रेशनलाइज करने पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, √3।
नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। ऐसी मेरी जो ये वाली है रेशनलाइज करने पे कितनी मिलेगी, √3 - 1 अपॉन यहाँ कितना मिलेगा 2। और जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी यहाँ पर 5 कितना √3 प्लस ऑफ कितना 9 ऑफ कितना माइनस का 6, मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो सोल्व करने पर मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2 प्लस ऑफ कितना √3 प्लस ऑफ कितना √3/2 माइनस 1/2 माइनस ऑफ कितना 5√3 / कितना 6 माइनस यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3/2 आ गई। तो इसको मैंने कितना लिख दिया 3/2। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको सोल्व कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे कितनी मिल जाएगी 3√3/2 माइनस का 5/6 ऑफ कितना √3। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ, √3 में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का 5/6। अब मुझे क्या मिल गया, ये वाली वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं √3 * यहाँ कितना आ जाएगा 2/3। अब मेरा ये क्या हो गया, √3 times कितना कट गया, तो जो मेरी वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। अब 2/ जो √3 आया है वही क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रेंगल आया था, कितना आया था वही कितना आया था, एरिया ऑफ ट्रेंगल जो आया था वो कितना आया था √3/2 आया था। और जो ये वाली वैल्यू क्या है 2/√3 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल होगी, जो मेरी ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू होगी मेरी 1/ किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्रेंगल के। तो ये वाली जो इसका जो आंसर आया कितना आया 1/ ऑफ ट्रेंगल। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी कितनी किसकी होगी 1/ ट्रेंगल होगी। यही क्या है मेरी राइट हैंड साइड है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।